पुराने गाने सुनने का नया तरीका, सारेगामा कारवा गो। संगीत वो है जो खामोशी को भी जुबा दे दे। हम गाने भले ही ना गाएं, लेकिन गाने हमारे दिल के जज्बात जरूर गा देते हैं। इसीलिए तो इन गानों को हम एज प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सेलिब्रेट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज 28 जून है और आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे बना है कुमार गौरव और विजेता पंडित जी की डेब्यू फिल्म लव स्टोरी से ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है। जानते हैं, जब इस गाने को अमित कुमार और आशा भोसले जी रिकॉर्ड कर रहे थे, तब राजेंद्र साहब और किशोर कुमार भी रिकॉर्डिंग के लिए आए थे। और जब अमित जी और आशा जी गाने लगे, तब राजेंद्र कुमार और किशोर कुमार बातें और मस्ती करने लगे, जिससे अमित कुमार जी और आशा जी काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। फिर पंचम दा ने उन्हें स्टूडियो से जाने को कह दिया, ताकि सिंगर्स अपने काम पर फोकस कर सके। और भी बातें बताऊंगी आपको इस गाने से जुड़ी हुई, लेकिन अभी शुरू करते हैं आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। मैं अकेला राज का मेला, तू कहां से आई, ऐसे में तू भूल के रास्ता मुझसे आ टकराई। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। लव स्टोरी फिल्म के लिए सबसे पहले इसी गाने को रिकॉर्ड किया गया था। और आप जानते हैं, अमित जी और आशा जी के बीच काफी अच्छा कंफर्ट लेवल था, क्योंकि आशा जी अमित जी को अपने बेटे जैसा ट्रीट करती थी। काफी फ्रैंक रहती थी वो अमित जी के साथ, लेकिन वो उनके गानों को क्रिटिसाइज भी करती थी। और जब अमित जी की गायकी में कुछ गलत होता था, तो आशा जी उन्हें करेक्ट भी करती थी। ऐसी नाजुक है ये गलती से, इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए। ऐसी नाजुक है ये गलती से, इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए। चाबी से ये चले, चाबी से ये रुके, चाबी से ये हंसे रूठ जाए। है कांच की ये गुड़िया, कागज की ये गुड़िया, किसी शैतान की नानी लगती है। पर पर पप ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। राजेंद्र कुमार जी, जिन्होंने अपने बेटे कुमार गौरव को लव स्टोरी फिल्म में लॉन्च किया, वो और किशोर कुमार जी काफ़ी अरसों के दोस्त थे। और इसीलिए राजेंद्र जी चाहते थे कि किशोर कुमार का बेटा ही लव स्टोरी फिल्म में उनके बेटे कुमार गौरव की आवाज़ बने। और शॉकिंग बात तो ये है कि पंचम दा को इस फिल्म के गाने बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। उन्हें लगता था कि वो और अच्छा कर सकते थे, लेकिन फाइनली गाने सुपर हिट हुए। तो ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है। मैं हूँ रुचि आपके साथ। राजेंद्र कुमार और राज कपूर जी बहुत ही करीबी दोस्त थे, और वो इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देना चाहते थे। यानी कुमार गौरव की राज कपूर जी की बेटी रीमा से शादी करवाकर। लेकिन लव स्टोरी फिल्म के दौरान कुमार गौरव जी और विजेता पांडे जी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं, और रीमा जी और कुमार गौरव जी का रिश्ता टूट गया। इस बात से राज कपूर जी और राजेंद्र जी के रिश्ते में भी खटास आ गई। लेकिन राजेंद्र जी ने अपने बेटे के लिए विजेता जी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। वैसे आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे कुमार गौरव और विजेता जी की ब्लॉकबस्टर डेब्यू फिल्म से है, तो ऐसा ही एक और प्यार भरा गाना सुनाना चाहती हूँ आपको। सुनिए जरा। Thank you.
प्यार की कश्ती में है। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में, गगन से दूर प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में, गगन से दूर। सच होंगे सपने बनेंगे गैर भी अपने, दिल की बारात सजेगी मिलेंगे साजन अपने। मैंने सुना, क्या सुना, जो कहा, क्या कहा, जाना बहुत है दूर। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में, गगन से दूर, गगन से दूर। नजर क्या लगे वहां पर है प्यार ही प्यार, जहां पर न बिछड़े मिलने वाले, जहां सब हो दिल वाले। तो चल चल, हाँ चले, यू मिलके, हाँ मिलके हो के खुशी में जूर। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में, गगन से दूर। हो रामा, हो रामा,
आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे बना हुआ है ब्लॉकबस्टर फिल्म लव स्टोरी से, अमित कुमार और आशा जी का गाया हुआ गाना ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है। मैं हूँ रुचि आपके साथ। क्या आप जानते हैं, एक इंटरव्यू में अमित कुमार साहब ने कहा था कि पंचम दास जानते थे कि हिंदी सिनेमा में एक ऐसा वक्त आएगा जब रीमिक्स गानों के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री के दरवाजे खुल जाएंगे। और इस बात पर दोनों की काफ़ी आर्ग्यूमेंट भी होती थी। वैसे अगर एक तरफ आर्ग्यूमेंट्स थे तो दूसरी तरफ प्यार भी। क्या आपको पता है, आर डी बर्मन और आशा जी की पहली लंबी मुलाकात इसी गाने ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है के रिकॉर्डिंग के टाइम पर हुई थी। क्या पता था कि लव स्टोरी फिल्म का ये गाना इन दोनों की लव स्टोरी के नाम हो जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। प्यार के नाम ही ये गाना मैंने प्यार किया फिल्म से आपके लिए। तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ। तुम आई तो सच कहता हूँ। आया मौसम दोस्ती का, जाने क्यों लगता है मेरी तुम्हारी पहले से पहचान है। जाने क्यों लगता है मेरी तुम्हारी पहले से पहचान है। Thank you.
करती हूँ तेरी बातें हैं अच्छा बड़ी तूफानी नहीं ये मौसम दिल लगी का नहीं ये मौसम खुद खुशी आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे जिसे मैं यानी कि रुचि और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है लव स्टोरी फिल्म का गाना है ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है। अब जिसे भी आप ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं एक ना एक नाम तो आपके दिमाग में है ही, उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं और आप ढेर सारी बातें करेंगे। उसी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यानी कि रुचि कल फिर से हाजिर हो जाऊंगी एक नए प्लैटिनम सॉन्ग के साथ, लेकिन उसके पहले सुनिए आज का ये खास गाना पूरा के पूरा एक बार फिर सिर्फ आपके लिए। सुनिए जरा। ऐसी नाजुक है ये गलती से इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए ऐसी नाजुक है ये गलती से इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए चाबी से ये चले
चाबी से ये रुके चाबी से ये हंसे रूठ जाए। है कांच की ये गुड़िया कागज की ये पुड़िया किसी शैतान की नानी लगती है। पर पर पप ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। लगती है मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।